कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना के तरीके लोहे बाजार की जानकारी के साथ मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूं। लोहे बाजार में आज किस तरीके से बाजारों में 11 अप्रैल के दिन बाजारों में कामकाज बाजारों में देखा जाएगा तो सारी जानकारी आपको देंगे। इसके साथ साथ एमएस इंगट का भाव, एमएस स्क्रैप के भाव की जानकारी, मंडी गोविंदगढ़ में किस तरीके से HRC CRC क्वाइल के भाव रहे, सारी जानकारी आपको विस्तार से, साथ ही साथ सरिया बाजार की जानकारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, कहां पर अभी और गिरावट आ सकती है, कितनी और गिरावट बढ़ सकती है, सारी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। तो जो लोग पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। और आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस अगर आप जानना चाहते हैं तो मॉर्निंग 9:30 का आप शो ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट की अगर बात करी जाए तो मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट आप देख के चल सकते हैं। मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट 48,400 रुपए पे कल के बाजारों में कामकाज हुआ, इसमें 200 रुपए की बाजारों में नरमी देखी गई, बाजारों में एक रेंज बाउंड्री कामकाज हो रहा है। जबकि कल NCDX में देखा गया, NCDX में कल बाजारों में जबरदस्त गिरावट देखी गई, लेकिन उसके हिसाब से आपने घरेलू बाजारों में उस हिसाब से बाजारों में गिरावट नहीं आई, जिस हिसाब से NCDX ने संकेत दिए हैं उसके हिसाब से बाजारों में गिरावट और बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। एमएस स्क्रैप की भाव 37,800 रुपए हो गया, एमएस स्क्रैप के भाव में भी 200 रुपए की गिरावट दर्ज करी गई। एमएस सिंगल टोल्ड स्क्रैप का कन्वर्जन रेट 10,600 रुपए रहा। कास्ट आयरन की अगर बात करेंगे, मंडी गोविंदगढ़ टोका का भाव 41,000 रुपए, इंपोर्टेड कास्ट आयरन का भाव 42,000 रुपए पे स्थिर बना हुआ है। HRC CRC क्वाइल में कल एक जबरदस्त बढ़त के साथ बाजारों में कामकाज हुआ। लुधियाना HRC क्वाइल का भाव 59,500 रुपए हो गया, CRC क्वाइल का भाव 64,900 रुपए, गाजियाबाद HRC क्वाइल का भाव 60,700 रुपए, CRC क्वाइल का भाव 69,000 रुपए रहा। कोलकाता HRC सीट की बात करेंगे तो 57,500 रुपए, CRC सीट का भाव 63,000 रुपए, बाजारों में कामकाज देखा जा रहा है। तो चलिए अब जानेंगे रायपुर HB वायर की क्या स्थिति है। रायपुर HB वायर की अगर बात करेंगे तो 53,200 रुपए पे GI वायर का भाव 58,000 रुपए, इसमें भी ऊपरी स्तर से गिरावट दर्ज करेगी, जबकि HRC CRC क्वाइल में बढ़त आई थी। MS पाइप में भी 200 रुपए गिर के गोविंदगढ़ पाइप का भाव 53,000 रुपए रहा, रायपुर पाइप का भाव 50,700 रुपए रहा। यह सारे बेसिक रेट है, इस पर 18% GST लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस आपको अलग से हमेशा दे होता है। चलिए जानेंगे TMT की क्या स्थिति है। TMT में अगर बात करेंगे मंडी गोविंदगढ़ TMT में 400 रुपए गिरावट के साथ मंडी गोविंदगढ़ का भाव 53,300 रुपए हो गया। दुर्गापुर का भाव भी इसी तरीके 51,200 रुपए, इंदौर का भाव 54,800 रुपए, रायपुर का भाव 50,100 रुपए, जयपुर का भाव 53,000 रुपए, मुजफ्फरनगर का भाव 50,800 रुपए, भावनगर का भाव 56,400 रुपए, गाजियाबाद का भाव 52,800 रुपए, जलना का भाव 55,700 रुपए, पटना का भाव 52,100 रुपए, बाजारों में कामकाज रहा। सभी बाजारों में 300-400 रुपए प्रति टन की बाजारों में ऊपरी स्तर से गिरावट दर्ज करी गई। यह भी सारे बेसिक रेट है, इस पर 18% GST लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस आपको अलग से हमेशा दे होता है। चलिए मंडी गोविंदगढ़ में आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जान लेते हैं। मंडी गोविंदगढ़ में आज का एक अच्छा सपोर्ट का लेवल 48,000 का, रेजिस्टेंस का लेवल 48,800 रुपए का है। पुराने लोहे का सपोर्ट का लेवल 37,400 रुपए का, रेजिस्टेंस का लेवल 38,200 रुपए का है। वरिष्ठ जानकारों के अनुसार ओवरऑल आउटलुक ऊपरी स्तर से हल्का सा दबाव और देखा जा सकता है बाजारों में। 300-400 रुपए बाजार एक बार 48,000 रुपए तक बाजार इंगट का, और इसी तरीके 37,000 रुपए तक आप देख के चल सकते हैं। 37,400 रुपए तक आप पुराने लोहे का भाव भी आ सकता है, और सरिया के भाव भी आप 53,000 का नीचे मंडी गोविंदगढ़ का देख के चल सकते हैं। तो उसके हिसाब से बाजारों में अगर कहीं पर गिरावट आएगी, गिरावट पे एक बार फिर अच्छा मौका मिलेगा, आप लोग गिरावट पे खरीदारी करेंगे तो बेटर रहेगा। बाजारों में बहुत ज़्यादा ओवरलोड खरीदारी करने की जरूरत नहीं है। बाजारों में आप लगातार आप 15 दिन से देख रहे हैं बाजारों में एक रेंज बाउंड, एक सीमित दायरे में ही कामकाज हो रहा है। विदेशी बाजारों में भी सुस्त कारोबार बाजारों में देखा गया, उसका असर भारतीय बाजारों में देखने के लिए मिला। तो अब मार्केट का आउटलुक आपको बता दिया। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।